ठीक है, सारा आकाश, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। जब सारा आसमान स्लेटी रहता हो, पहले बैकग्राउंड यहाँ पे बता रहे हैं, एनवायरनमेंट नेचर से रिलेटेड चीजें हैं। क्या? कि जब सारा आसमान स्लेटी माने ग्रे ग्रे शेड रहता है, जब आसमान में बस पूरब, पूरब माने ईस्ट के में इस छोर से उस छोर तक छाया बैंगनी प्रकाश धीरे धीरे सुनहला पड़ता होता है, माने एकदम डार्क डार्क शेड है, फिर धीरे धीरे वो डार्क शेड क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। जब धीरे धीरे सुबह हो रही है, थोड़ी सी रोशनी आ रही है, तो वो डार्क शेड किस में टर्न हो जाएगी, व्हाइट में या थोड़ा ऑरेंजिश। और फिर बीच दिशा के कोहरे के भारी भारी पर्दे इधर उधर सरकाकर एक ज्योतिर्मय मुख बाहर झांकने लगता है, माने मानो ऐसा लगता है कि जो स्काई है, ठीक है, वो पर्दा धीरे धीरे हट रहा है, और बीच में से कौन आ रहा है, बीच में से ज्योतिर्मय मुख माने कोई एक मुंह जैसे होता है ना, पर्दा जा रहा है, एक फेस बाहर आ रहा है, वो फेस माने सन बाहर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ये क्या बोलते, तुलना किया गया है। नेक्स्ट, हवा में हल्की हल्की शीतलता बढ़ जाती है, शीतलता माने ठंडक, जो सुबह के टाइम होता है, राइट, सुबह इतना गर्मी नहीं रहता है, हवा में ठंडक रहता है। पास वाले पेड़ के पत्ते हिलने लगते हो, धीरे धीरे हिल रहे हैं, पास में जो पेड़ है उसके सारे पत्ते हिल रहे हैं, और धीरे 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 नगर जागने लगता हो, तो अपनी छत की मुंडेर के सहारे एक पांव मुंडेर पर टिकाए उस क्षण को देखना और मन की अनेक सतहों पर महसूस करना कैसे आह्लादकारी अनुभव है। मतलब नेचर को जब सुबह हो रहा है और पूरा दुनिया जाग रहा है उसी टाइम, तब तुम अपने छत के एक ऐसे ही क्या बोलते हैं बाउंड्री के ऊपर, नहीं होता, पैर वैर रखकर एक पैर उस मुंडेर के ऊपर रखे हो और पूरा वातावरण को क्या कर रहे हो, एकदम मस्त वे में एंजॉय कर रहे हो, पूरा देख रहे हो एकदम वातावरण को, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये वातावरण हमें कैसे लगता है, हमारे जो वाइब्रेशंस है, हमारा जो चित्त है, मन है, उस तक पहुंचता है, सतहों तक, लिखा हुआ है ना कि हमारा जो वाइब्रेशंस है, तो वही चीज है जो एंडिंग का लाइन अभी पढ़ी थी, सतहों पर महसूस करना माने अंदर की पूरे लेयर्स पे महसूस करना, बहुत आह्लादकारी माने एकदम आनंददायक, बहुत अच्छा फील करने वाला एक्सपीरियंस देता है। यह मैंने पहली बार जाना, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना जल्दी उठा है, पहली बार देखा कि सूरज किस तरह धीरे धीरे उठता है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि सनराइज कैसे करता होता है, कभी लगता गोला तेजी से लट्टू की तरह चक्कर खाता हुआ उठ रहा है, और कभी लगता बहुत ही धीरे धीरे लहरों पर झूमती गेंद की तरह, माने कभी कभी उसको स्पीड में फील हो रहा है सन, और कभी कभी स्लो, कि कभी धीरे धीरे उठ रहा है और कभी लट्टू की तरह जोर जोर घूम रहा है। फिर क्या है, एक एक चीज से देखता और मन में कोई कहता, अरे मैं तो जानता ही नहीं था कि सूरज निकलने से पहले किरणें इस तरह उठती है जैसे फव्वारे की धारियां उठती हो। फिर ये अपने आप से ही बोलता कि बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं था कि सूरज उठने से पहले क्या होता है, ऐसे रेज उठती है। और वो रेज को कंपेयर किससे किया गया, शावर के वो क्या बोलते हैं, वॉटर स्ट्रीक से, बेसिकली उससे कंपेयर किया गया है। और सामने वाले ऊंचे 3 मंजिले मकान के एरियल का बाज सबसे पहले किरणें को स्पर्श करता है, एकदम दूर देखो तो कोई बाज जैसा खड़ा होगा हवा में, तो ऐसा लगता है कि जो सूरज की किरणें हैं सबसे पहले उस दूर की चीज को क्या कर रही है, स्पर्श माने टच कर रही है। हर क्षण लगता जैसे मुझे नया ज्ञान हो रहा है, और इच्छा होती कि कोई पास में खड़ा होता और ये इतनी सारी नई बातें उसे बताता चलता, उसे धीरे धीरे सूर्योदय दिखाता, तो इसके मन में आता काश मेरे साथ कोई होता। हमारे जब कोई अच्छा मोमेंट होता है हमारे साथ, वी नीड समवन टू शेयर, है ना, तो यहाँ पे यही चीज लिखा गया है कि कोई इसके साथ जो इतना सुंदर सा ये एनवायरमेंट प्रकृति को फेस कर रहा है, तो वो प्रकृति को महसूस जो कर रहा है, तो वो बांटना चाहता था ये खुशी किसी के साथ। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ कि ये खुशी किसी के साथ बांटने के लिए कोई चाहिए थी, कौन चाहिए थी बोलो, ये खुशी बांटने के लिए कौन चाहिए, प्रभा। चलो याद है, इतना तो तुम लोग को याद है, प्रभा बोलकर कोई थी, बिकॉज इट्स बिन रियली वेरी लॉन्ग। नेक्स्ट, उसके बाद तो वो ऐसे ही सोच रहे, काश ये बातें मैं किसी को बताता, पी पलक में एकदम शॉर्टकट, पी हर क्षण लगता जैसे मुझे नया ज्ञान हो रहा है, और इच्छा होती कि कोई पास में होता और ये इतनी सारी नई बातें उसे बताता, उसे धीरे धीरे सूर्योदय दिखाता, ऐसे कर। लेकिन लगा जैसे जिंदगी में खुद मैं ही पहली बार सूर्योदय देख रहा हूँ, ऐसे होता है ना, माने होता है ना एक तरीके से, चलो किसी का हेल्प करते हैं, अच्छा लगता है हेल्प करना एंड ऑल, फिर लगता है भाई अपना हेल्प ही पहली बार कर रहा हूँ, दूसरों का क्या करूंगा, सेम वे कि पहली बार मैं खुद ही सूर्योदय देख रहा हूँ, दूसरे को क्या दिखाऊँ, इट्स लाइक दैट।
उन दिनों तो जाने किन अंधेरी कोठरियों में कैद था, माने वो कौन सा दिन, भाई शादी का स्टार्टिंग डेज, जो जब उसका कॉन्टैक्ट ही नहीं था प्रभा के साथ, तो उसको लग रहा था कि कौन से अंधेरी कोठरी में वो बैठा हुआ है, देखता ही नहीं था कि मेरे आसपास हो क्या रहा है, इसको पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है। अब रोशनी में आया हूं तो लगता है कि इतने दिनों अंधेरों में बंद रहने की जेब आंखें नहीं मिलाने दे रही, इतने दिन से नहीं होता, उससे अलग था, अंधेरे में था, परंतु अब जब रोशनी में आया हो, सब कुछ ठीक हो गया हो, तो एक मन में शर्म है, अचानक से किसी से बात नहीं कर पा रहे, जेब माने शर्म। सचमुच रोशनी में प्रभा से कैसे बातें कर पाऊंगा, सीधा उसके चेहरे की ओर कैसे देख पाऊंगा, उसके अंदर ये शर्म है, एक तो गांव का एक नहीं होता, ऊपर से स्टार्टिंग से इमोशनल माने हर एक चीज इसके अंदर, तो इसको यही लग रहा है मैं कैसे देखूंगा उस लड़की को, उन आरोप करती उल्हाने भरी आंखों का सामना कैसे कर पाऊंगा, क्या उल्हाना, क्या कंप्लेन करेगी लड़की कि इतने टाइम बाद तुम मुझसे बात कर रहे हो, अभी तुमको मेरा वैल्यू पता चला, ये चीज सबसे बातें करते हुए मुझे कितना संकोच होगा, माने सबसे जब बातें करूंगा मुझे कितना पिंच होगा, अजीब लगेगा, संकोच माने शायद अब तो घर वाले बाबूजी इत्यादि खुश हो जाएंगे, माने एवरीवन विल बी लाइक ना हैप्पी कि चल लड़का और बहू में सब ठीक हो गया। अब भाभी इशारों से डॉक्टर को दिखाने को नहीं कहेगी, ये तो तुम लोग को क्लियर हो ही गया होगा। हाँ, जिस बात के इशारे से मेरे तन बदन में आग लग जाती थी, माने पहले इस बातों को सोच के गुस्सा आता था जब ये भाभी ऐसे बात करती थी, उसे याद करके अब खुद ब खुद मुस्कुरा उठता हूँ। बोलते हैं ना सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है बातें, जब हम लोग एंगर वाले चीज में है या हम लोग को कुछ अच्छा नहीं लगता है तो हम लोग को कोई भी बात चुभता है, बट अब सब ठीक हो गया तो उसको ये बात भी मुस्कुराहट दे रही है। थोड़ी देर पहले प्रभा उठकर गई थी, ना मैंने उसकी ओर देखा था और ना वह सीधा मेरे ओर देख पाई थी, मैंने दोनों आई कॉन्टैक्ट नहीं किए ड्यू टू शर्म और समथिंग, और फिर मैं चुपचाप उठकर यहाँ चला आया, देर तक खड़ा खड़ा देखता रहा, मैंने यहीं पे खड़ा खड़ा देख रहा हूँ, क्या सूर्योदय देख रहा था, समझ में नहीं आया कि अब क्या काम करूं, एकदम ब्लैंक है क्या करूं, लोग मुझे देखे इससे पहले मैं चुपके से उठकर निकल जाना चाहता था, तभी ध्यान आया कि प्रभा ने पोस्ट कार्ड मांगा था, जो लास्ट पार्ट खत्म हुआ था यही था कि जब वो लोग का वो जो क्लोज मोमेंट था उसके बाद वो क्या बोली थी कि प्लीज मुझे दो तीन या एक समथिंग पोस्ट कार्ड ला देना ऐसे करके कुछ, क्योंकि उसको घर पे चिट्ठियां लिखनी। सड़कों पर जमादार कूड़ा कुरसते झाड़ू दे रहे थे, सड़कों पर जमादार थे, काम काम कर रहे थे, दूध की टंकियां साइकिल से बांधे दूध वाले किसी खुले दरवाजे के सामने खड़े थे, कोई गेट में दूध ले रहा होगा तो दूध वाला आ रखा था और कोई खुला दरवाजा के सामने खड़ा था, और बच्चे को गोद में लिए चादर लपेटे कोई बूढ़े साहब दूध का बर्तन आगे बढ़ाए दूध ले रहे थे, और कोई बूढ़ा अंकल दूध ले रहा था बच्चे को गोदी में। एक जगह तो मैं सचमुच मुड़कर देखने लगा कि दूध वाला जब लुटिया भरकर माने लोटा भर के लोटा में डालते हैं ना टंकी से दूध निकालता है तो किस तरह उसकी लुटिया या उंगलियों में दूध बूंद बूंद टपकता है, माने वही है कि छोटा छोटा चीज नोटिस कर रहा है, इतना खुश है कि भाई उसको सिली सिली चीजें खुशियां दे रही है, तो वो ये देख रहा है कि एक एक टप टप जो बूंदे गिर रही है उंगलियों से या फिर वो लोटे से, तो उसको वो भी माने बहुत मनमोहक लग रहा है, मनमोहक या ऑब्जर्व कर रहा है। वह दृश्य मुझे बड़ा रोचक लगा, इंटरेस्टिंग लगा, ये भी बोल रहे कि वो मोमेंट भी उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और जब इसका ख्याल आया तो खुद ही मैंने पूछा ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि यार मुझे ये मोमेंट भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ, लगता था जैसे रास्ते में मिलने वाला हर आदमी जानता है कि मैं सुख के कितने शक्तिशाली फवारे को बलपूर्वक अपने भीतर ही दबाए चल रहा हूँ, माने वाज सो हैप्पी, उसके अंदर ऊर्जा इतनी थी, वाइब्रेशन इतना था, एनर्जी इतना था कि रास्ते में हर एक इंसान को शायद महसूस हो रहा होगा ये वो ऊर्जा को एनर्जी को कैसे दबा के रखा हुआ है, कौन सी ऊर्जा को, कौन से एनर्जी को, खुशी की ऊर्जा, एक होता है ना अलग सा हैप्पीनेस आ जाता है वैसे ही प्यार। नेक्स्ट, लगता था जैसे ये तो हो गया, हर क्षण डर लगता था कि कहीं ये वह बात टूट ना जाए और मैं पागलों की तरह सड़कों पर चिल्लाता हुआ भागना शुरू ना कर दूं, देखो मैं सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं, समझ में नहीं आया था कि अपने इस आनंद को कैसे व्यक्त करूं, ये तो हमेशा पागल जैसे करता है, तो सोचा मैं भागने वागने लग ना जाऊं और चिल्लाने नहीं लग जाऊं कि देखो मैं कितना खुश हूं, लगता वैसे नहीं करूं। प्रभा की इस समय क्या हालत हो रही होगी इस बात की कल्पना भी मेरी सारा अंग रोमांचित कर देती थी, माने मुझे एक्साइटेड वैसे कर देती थी कि यार प्रभा क्या कैसी होगी, प्रभा क्या सोच रही होगी, एक शराब थी जो सूखी बालू पर पड़ी बूंदों की तरह सीच सीच कर अनु अनु में समाई जा रही थी, माने एक शराब था जो क्या था नीचे जो धरती है सूखी एकदम, और जो शराब डाल रहे है जो अल्कोहल डाल रहे वो क्या कर रहे है पूरा अंग अंग में बालू का अंदर अंदर समा जा रहा है।
सींच सींच कर अनु अनु माने पार्ट पार्ट में एकदम समाई जा रही है और सारी धरती नम हो गई है। नम माने गीली हो गई है, जो वो अल्कोहल गिर रहा है तो लग रहा है सारी धरती गीली हो गई है। कितनी भीषण गर्मी, झुलसाने वाली लू धूप के बाद मैं स्वचन निर्जर की शीतल शांति को युगो युग युगो प्यासे की तरह पी रहा हूँ, या समथिंग जो भी है। इसका मतलब है कि इतने टाइम से इसको फील हो रहा था घुटन, एक गर्माहट, और जब गर्मी के बाद हम लोग को शीतलता महसूस होती है, जैसे हम वर्षा में भीग जाते हैं वैसा महसूस होता है, तो कितना अच्छा लगता है, वही समर को लग रहा था। खूब जोर जोर से आवाजें देने के बाद दिवाकर साहब ने जमाया लेते हुए कहा, माने उबासी लेते हुए कहा, दरवाजे से मुंह निकाला, क्या है? माने वो ये रस्ते में देख रहा था, सोच रहा था ठीक है, अब वो दिवाकर के घर में पहुंच गया। पहला सीन क्या हुआ, सूर्योदय, और वो क्या कर रहा था, वो बचने के लिए लोगों की नजर से सूर्य माने जाके बालकनी नहीं छत पे खड़ा हो गया। फिर वो सोचा क्या करूं, तो वो ऑन दी वे क्या किया, ये सब सीन देखा, और अब किसके घर में पहुंच गया, दिवाकर के घर। तो दरवाजा के आधा ही मुंह निकाला और बोला कि क्या है, रात को 11 बजे गए और फिर सुबह 7 बजे ही आधम का, 11 बजे गया कहाँ गया था, एनी आइडिया, क्या कर रहा था लोग साथ में 11 बजे? मूवी देखने, सिनेमा, मूवी वाला चीज था, वेरी नाइस। तो रात को 11 बजे गए और फिर सुबह 7 बजे आधम का, ये लास्ट पार्ट का था कि 11 बजे वो लोग माने एक साथ मूवी वूवी देख रहे थे, फिर ये रिटर्न किया था, और फिर सुबह 7 बजे आधम का, फिर भीतर या देखकर कि कोई आ तो नहीं रहा, दुष्टता से बोला, तेरी बीवी तो मैं के गई, बीवी वालों के आराम से क्यों जलते हैं, माने यही बोल रहा था, सुबह सुबह क्यों उठा दिया, तुम्हारी खुद की तो बीवी नहीं है, हम लोग की तो है, हम लोग का मजा क्यों खराब कर रहे। बीवी को लेकर किया गया यह मजाक सचमुच भीतर के मन को गुदगुदा गया, माने अजीब सा इसको महसूस हुआ, कहना चाह किस कमबख्त की बीवी मैके में गई, अब तो ये भी एटीट्यूड टेंशन में ना, इन लोग का भी सब ठीक हो गया, लेकिन ऊपर से चेहरा गंभीर बनाकर रखा, गंभीर माने सीरियस बनाकर रखा, तुम्हारा मतलब क्या है, चला जाऊं, निकल कर तो देख कितना दिन चढ़ गया, माने पहले बोला तुम्हारा मतलब क्या, मैं चला जाऊं, फिर बोला अरे देख सूरज उगाया है, कितना टाइम हो गया है, जो जिसका काम है सो करेगा, माने सूरज का निकलने का टाइम है वो निकलेगा, हम तो अभी आपकी बांगों से सोकर उठे, माने आप जो आवाज कर रहे थे उससे सोकर उठे, ये दिवाकर बोला। मुंह हाथ धोएंगे, अरे इम्तिहान में इतने पीले हैं, माने जुटे हैं, मेहनत किए हैं, अब जरा सा आराम भी ना करे, माने इतना मेहनत के एग्जाम के टाइम, अब क्या आराम भी नहीं करेंगे, लॉर्ड आदमी है, माने भगवान टाइप आदमी हो, तेरी तरह भगवान से या थोड़े ही कहे आए थे कि दिन निकलने से 4 घंटे पहले उठूंगा, माने सुबह हुई नहीं उससे पहले ही उठ जाऊंगा, 4 घंटे पहले उठते ठंडे पानी में डूबूंगा, माने नहा वहा लूंगा, फिर सारे संसार को जगाने निकल पड़ूंगा, माने इसका एक तरीके से मस्ती ले रहे। उसने बैठक के किवाड़ों को पूरा खोलकर कहा ले आइए तशरीफ, बोलते चलिए आइए अंदर आइए, अच्छा तो चले, अभी तो आप सजने सबड़ने में ही 2-2.5 घंटा लेंगे, मैं बैठक के भीतर आकर आराम से बैठ गया, माने ये समर बोला अंदर आके बैठ गया, और बोलते अब तो आप रेडी होंगे उसी में टाइम लेंगे, आज तो चेहरा बड़ा चमक रहा है, क्या बात है, फर्स्ट डिवीजन में पास होने का सपना दिख गया क्या, सुबह सुबह देखे सपने अक्सर सच होते हैं, उसने आलस्य से फिर जमाई, बोलते ना सच्चा दोस्त से कुछ छुप नहीं सकता है, तुम्हारा वाइब्स और तुम्हारी खुशी उस तक पहुंच ही जाती है, तो सेम उसको लगा भाई आज ये इतना चमक क्यों रहे, तो वो सोचा बीवी वीवी का तो किस्सा होगा नहीं, इसलिए वो सोचा कि ये किससे रिलेटेड होगा, ऑब्वियसली एग्जाम से रिलेटेड होगा, फर्स्ट डिवीजन ये सब का सपना देख लिया होगा, तो वो ये सब सोचने लग गया। नेक्स्ट, यार इस इम्तिहान की याद मत दिला, मेरा जान निकल जाता है, माने ऑब्वियसली इतना हैप्पी मूड में था, ऊपर से एग्जाम का बात याद दिला दे रहे, तो बोलते मेरा जान निकल जाता है, पता नहीं पास भी होंगे या नहीं, फेल ही हो गए तो सचमुच हमें मरने की भी जगह नहीं है, क्योंकि इसका घर इतना ऑलरेडी सफर करवा रहे हैं इसको, सच बात है जब जब इम्तिहान या परीक्षा फल का ध्यान आता है, परीक्षा फल माने रिजल्ट का ध्यान आता है, तो दिमाग से हर बात उड़ जाती है, दिल धसक उठता है, डर आ जाता है, इतना हैप्पी मोमेंट चलता है, बट जैसे एग्जाम का या रिजल्ट का बात आता है तो एक अजीब सा डर लग जाता है, तुम लोग सबको तो पता ही होगा, यहाँ पे भी वही है, ना जाने क्या होगा, लेकिन एक झटके से इन सारे विचारों को दूर करके मैंने कहा छोड़ो भाई इस बारे में बात मत करो, जो होगा सो देखा जाएगा, तो फिर अपने नहीं होते, अपने इग्नोर करते, देखा जाएगा ना, अभी छोड़ना, अभी तो खुशी का पल है, जी लो, इट्स लाइक दैट, अभी से प्राण सुखाने की क्या जरूरत, फिर आश्चर्य हुआ या भविष्य के प्रति लापरवाही मेरे मन में पहले तो नहीं थी, फिर अपना एटीट्यूड ये ऑब्जर्व करें, मैं तो हमेशा एकदम एम वाला प्राणी था, मैं तो ऐसे नहीं सोचता था कि छोड़ो देखा जाएगा रिजल्ट से रिलेटेड, मुझे ये क्या होगा, खुद के लिए सोच रहे समर। नेक्स्ट,
थोड़ी देर चुप रहकर वह बोला, अभी तक कल की बात पर माता जी का मुंह फूला हुआ है। किसकी माँ का? दिवाकर की माँ का। बताओ, एक दिन अगर अपनी पत्नी के साथ सिनेमा चले गए तो क्या मुसीबत हो गई? इन लोगों की बात हमारी समझ में नहीं आती। विश्वास करो, मैंने तो एक भी घर नहीं देखा जहां सास अपनी बहू से, एक सेकंड गाइस, मैंने तो एक भी घर नहीं देखा जहां सास अपनी बहू से खुश हो। चार लड़की हो तब भी वही बात और दो हो तब भी वही। मैं चाहता हूं कि आज ये झगड़ा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे अब बोलते हैं कि यार कल से माँ एकदम बहस कर रही है, मूवी ले गया तो पता नहीं क्या पहाड़ टूट गया, माँ ऐसे मुंह बना रही है और मैं चाहता हूँ आज ये ठंडा हो जाए सारा किस्सा। एक रीजन है ये क्यों चाहते हैं कि सारा गुस्सा वुस्सा ठीक हो जाए। अच्छा, अभी तक चल रहा है लेकिन लगा जैसे अब वाक्य मैंने उससे नहीं अपने आप से कहा। ये समर बोला कि अभी तक झगड़ा चल रहा है, फिर उसको लगा वो सामने वाले को नहीं खुद से पूछ। दीवार से सटकर दबी सिमटी प्रभा और दूसरी और अम्मा और भाभी की तस्वीर आंखों के सामने आ गई वापस से एकदम इमेजिनेशन में, कि भाभी बैठी है, माँ बैठी है, सास बैठी है, मैंने इसकी माँ बैठी है और बीबी बैठी है। अचानक आके बीत गई, बेचारा रोने लग गया। ठीक है, मुझे अपने रग रग से रोती हुई मुन्नी की आवाज सुनाई देती, अपनी बहन की याद आ गई इसको। भैया भाभी से बोलो, माने भाभी से बात करो। पहले इस आवाज को मैंने सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन इस क्षण अपने भीतर से उठती हुई इस आवाज की प्रतिध्वनि वापस से जो गूंज रहा आवाज होता है ना, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है वैसे कि अस्तित्व का अनु अनु गूंज रहा था, माने पार्ट पार्ट गूंज रहा था। मन हुआ मुन्नी से लिपट जाओ, माने उसको गले लगा लूं और कान में अपनी आनंद विहवल माने खुशी से भरी, आनंद विहवल माने खुशी से भरी वाणी में कूक उठू, माने अब इसको कूकने का भी मन कर रहा है। He's so happy कि ये बर्ड जैसे कूकना चाहते हैं। देखो मुन्नी, मैं बोला तेरी भाभी से बोला, लेकिन मुन्नी अब है कहा, क्योंकि मुन्नी को तो ससुराल भेज दिया, उसे तो गड्ढे में धकेल कर उसके मुंह पर पत्थर लगा दिया। मुझे लगा जैसे मुन्नी मेरे भीतर अपनी मुक्ति के लिए तड़फड़ा रही है। जो मुन्नी है वो क्या कर रही है कि मुझे आजादी चाहिए, उसको एक फतील आ रही थी उसकी बहन खुश नहीं है। उसने मुझे गड्ढे से निकाल लिया और खुद उसमें जा गिरी, मुझे तो बचा लिया परंतु खुद क्या हुई उसमें जा गिरी। काश जरा पहले वह मुझे निकाल लेती तो मैं उसे इस नर्क से नहीं जाने देता। काश वो मुझे पहले प्रोटेक्ट कर ली तो कर लेती तो अब मैं उसको वहां जाने नहीं देता। क्यों? क्योंकि तब प्रभा और ये साथ में होते, इसमें एक हैप्पीनेस रहता, और जब तुम हैप्पी रहते हो ना, एक अलग ही माइंडसेट में रहते हो, एक अलग ही ऊर्जा में रहते हो, तो ये अपनी बहन के साथ इतना अन्याय नहीं होने देता, इसके अंदर भी कुछ शक्ति हो। दिवाकर की किस बात से मैं चौकर सिटपिटा उठा, फिर अचानक से इसको याद आया, फिर कोई बात से ही एकदम अजीब सा किया, कहीं इसने समझ तो नहीं लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। माने डर गया कि माने कि ये जो इमेजिनेशन में चला गया वो दिवाकर समझ तो नहीं गया कि ये क्या सोच रहे, या मेरी बहुत बुरी आदत है यो बातें करते करते सोचने लगता हूँ। अपने सबको तो पता ही है कि ये ऐसे करता है, इसको फर्स्ट टाइम पता चला। दिवाकर कह रहा था, समर कल हमारे एक चचेरे भाई आने वाले हैं, चाचा का बेटा। मैं चाहता हूँ माता जी की नाराजगी आज ही ठीक हो जाए तो अच्छा है, माने माँ का जो गुस्सा है वो ठीक हो जाए, यही रीजन है कि वो चाहता था ठीक हो जाए माँ का गुस्सा। पिछली बार आए थे तब तो मैं तुम्हें नहीं मिला पाया, होता है ना फ्रेंड को मिलाना होता है, तो बोला पिछली बार नहीं मिला पाया। बाबा रे कितना घूमा है उन्होंने, माने वो बहुत जगह घूमते हैं, कोई शहर नहीं छोड़ा। लेकिन भाई अपनी यहाँ चोटी वोटी कटाना, अगर कहीं वे इसका मजाक बनाने लगे तो तू बुरा मान बैठे, ऐसे ही है वे जरा, उन्हें यहाँ ढोंग कम पसंद है, माने बाहरी रूप से जो दिखावा करते हैं रिलीजियन ये सबका, किसको कम पसंद है, अपना शिरीष, बेसिकली उसका नाम शिरीष है और यहाँ पे चचेरे भाई अभी अपने उसको बोल सकते हैं, या ढोंग के अपना अपना विश्वास है। मैं बहस बढ़ाना नहीं चाहता था, ही वाज सो हैप्पी, ये बहस नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए क्या बोला, अपना अपना है भाई, इसमें ढोंग की क्या बात है। अच्छा विश्वास है कि आप अलग जा रहे हैं और हिंदुत्व का झंडा अलग जा रहा है, माने हमारा हिंदू धर्म अलग जा रहा है और दिखावे में अलग जा रहे हैं, उसका फ्रेंड बोला। इसकी एक उपयोगिता जरूर है, वो उसका मजाक उड़ाता है कि हाँ आपकी जो चोटी है उसका एक यूज जरूर है, किसी से लड़ाई हो जाए तो लपक कर सबसे पहले चोटी पकड़ो, माने अगर ऐसे कोई प्राणी से झगड़ा हो जाए जिसकी चोटी है तो सबसे पहले उसकी चोटी पकड़ लो। दूसरा आदमी हिलेगा डुलेगा लेकिन कर कुछ नहीं सकता है, दूसरा आदमी क्या करेगा, हिलेगा डुलेगा बट चोटी अपने पकड़ के रखेंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा। कोई लिख दो बाबू कौन सा लाइन पेज नंबर है सब बॉक्स में। फिर देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा आदमी हिलेगा डुलेगा लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। हाँ
इम्तिहान के दिनों में इस घोटी से इसे खूंटी से बांध कर पढ़ा भी जा सकता है। और वह खुद हंस पड़ा, जैसे एग्जाम का टाइम है, तुम लोग का अगर लंबा लंबा बाल हो गया तो उसको बांध दो घुंटी से, जो किल्ली विल्ली ठोकर नहीं होता है तो क्या बोलते हैं, तो देवांश क्या लंबा बाल हो गया क्या, ट्राई, तो क्या होता है परीक्षा में तुम्हारा ध्यान एक जगह ही रहेगा। नेक्स्ट, हाँ वो खुद हंस दिया क्योंकि मस्ती ले रहा था फ्रेंड का। तुम खाने पीने और भोग विलास में मस्त रहने वाले जीव, तुम्हें क्या मालूम विश्वास और आत्मा का आनंद, माने तुम ये सब में आनंद लेते हो, बाहरी रूप के आनंद में लेते हो। अच्छा किसी और का है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि तुम तो खाने पीने एंजॉयमेंट में एकदम बिजी रहते हो, तुम्हें क्या मालूम विश्वास और आत्मा का आनंद क्या होता है, माने स्पिरिचुअलिटी रिलीजन तुम्हें क्या पता वो सब क्या होता है, तुम तो वो सब में हो ही नहीं। अपने फ्रेंड को पोक किया, कहने को जो मन हो कह लो, लेकिन समर बाबू दुनिया में इसके सिवा है ही क्या, कभी कभी हम भी तुम्हारे मंदिरों में पहुंच जाते हैं, वहां चीजें बड़ी छटी छटी लगती है, चला हमेशा से वही आया है, उसके आसपास शब जाले जैसे फैले हुए टाइप्स, मतलब क्या होता है कि पहले से ऐसी है मंदिर में, भेदभाव ये वो होती है, पहले से ऐसा हो रहा है, बस शब्दों के जाल में तुम लोग उसको क्या करते हो, घुमा देते हो बात। फिर मुझे याद आया मंदिर गए तो मुझे भी युग हो गए, काफी टाइम हो गया, फिर भी गंभीरता से कहा, देखो दिवाकर यह अपने विश्वास की बात है, हर देश के वस्त्रों रहन सहन या विचारों की एक संस्कृति होती है, माने हर देश का, आज ही संस्कृति चैप्टर पढ़ाए हैं, यहाँ पे कौन अटेंड किया, hardly कोई आई गेस इस ग्रुप से, तो ठीक है, तो यहाँ पे बट बहुत इंटरेस्टिंग था, एक बार वीडियो देखना, इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ट्रस्ट मी बहुत इजी था। और बादल वाला भी जो लोग नहीं अटेंड किए प्लीज वीडियो देखना, बहुत शॉर्ट में डिटेलिंग में समझाया है, माने शॉर्ट में डिटेल में समझाया, लॉजिक समझ रहे हो, तो प्लीज डू अटेंड बादल वाला भी, एक बार ही देखने से क्लियर हो जाएगा, ये नहीं है कि खुद से तारीफ करो समथिंग, बट इट्स रियली वेरी इजी, संस्कृति इजी है लेकिन टाइम नहीं है, दो दिन है हिंदी में और चाहिए क्या, काफी टाइम है यार, दो दिन भी बहुत होता है, प्लस आज का रात, काफी टाइम है, इतना कुछ नहीं है, चलो आकाश, हरा आकाश पूरा ही बचा है, हो जाएगा, डोंट वरी करवा देंगे। फिर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आगे है, कहाँ थे अपने भोग विलास में मस्त रहने वाले हो गया कहने को, हाँ तो इसको भी याद आ गया, मुझे याद आया मंदिर गए तो मुझे युगो हो गए हैं, फिर भी गंभीरता से कहा, देखो दिवाकर यह अपने विश्वास की बात है, हर देश की वस्त्र रहन सहन या विचारों की एक संस्कृति होती है, माने हर एक देश का अपना अपना संस्कृति होता है, कल्चर होता है, हम लोग अपनी संस्कृति का अध्ययन नहीं करते, माने अपना लोगों का तो तारीफ नहीं करते, अपने कल्चर का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और इस तरह के लोगों के कारण ही देश की हालत होती जा रही है, माने इतने करप्टेड लोग हैं जो अपने देश के बारे में गलत बोलते हैं और अपने कल्चर को फॉलो नहीं करते, इसीलिए हमारा देश का हालत बुरा होता जा रहा है, हम लोग पतित होते चले जा रहे हैं, माने पापी होते चले जा रहे हैं, अपनी चीजों अपने देवी देवताओं का तो हम यूं मजाक उड़ाएंगे और देशी चीजों के पीछे भागेंगे, माने होता है ना वैलेंटाइंस डे बॉल डांस ये वो के तो पीछे जाएंगे, और अपना जो कल्चर है अपना रिलीजन है अपना पूजा पाठ है उसका बहुत लोग क्या करते हैं, बुराई करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं। नेक्स्ट, जब मैंने अपनी बात शुरू की तो ध्यान था कि काफी लंबा और प्रभावशाली भाषण देकर इसे समझाऊंगा, लेकिन बीच में अचानक मुझे गणेश जी की मिट्टी का डेला मानकर बर्तन माज लेने वाली घटना का स्मरण आ गया। होता था ना मिट्टी का, वो गणेश जी मारा गया था जिसको प्रभा क्या की थी, कोई मिट्टी विट्टी समझ के उससे बर्तन बर्तन धो डाली थी, तो ये थप्पड़ ही मार दिया था, तो इसका अपना ही गलती, इसको याद आ गया कि यार मैंने भी तो एक टाइम ऐसा ही किया था, लेकिन यह बात मुझे तभी से अनजाने रूप में रह रहकर काट रही थी, माने ऑब्वियसली ऐसा इंसान नहीं है, इससे थप्पड़ लग गया बट ये चाहता नहीं था, इसीलिए इसको पेन हो रहा था, पिंच हो रहा था, कैसे इसने थप्पड़ लगा था, कि मेरा व्यवहार घोर अनुचित, माने मैंने गलत किया, एक हद तक अमानुषिक, माने जानवर जैसा व्यवहार किया है मैंने, इनह्यूमन। तभी एक क्षण को लगा कि आज प्रभा मेरे सारे व्यवहार की सफाई मांग ले तो अपने किए काम की क्या कहकर सफाई दे पाऊंगा, शायद मेरे पास ईमानदारों से अपने अनेक कामों की सफाई नहीं है, अगर प्रभा आएगा पूछी कि मैंने क्या गलत काम किया था, मैंने ऐसे क्या किया कि आपने मुझे थप्पड़ मारा, तो मेरे पास बोलने को कुछ नहीं होगा, सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तैश में दिवाकर बोला, ये सब ये अपने मन में कुछ कुछ तो सोचता रहा, ठीक है, इतने में जोश में आके दिवाकर बोला, देशी और विदेशी की बात नहीं जानता, लेकिन देशी पनी का नाम लेकर कार्टून जैसी सूरत बनाए रखना भी मुझे पसंद नहीं है, बोलते देशी विदेशी नहीं पता, बट तुम देशी देशी सोचकर अपने आप को कार्टून जैसा रखोगे तो भाई इट इज वर्स्ट।
मेरी बात का बुरा ना माना, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ऊंची ऊंची बिना क्रीज इस्त्री माने बिना आयरन किया हुआ बिना प्रेस किया हुआ तुम जो पहनते हो कपड़े, और गंदी सिकुड़ी कमीज माने गंदी गंदी बिना धोई हुई कमीज, गाइज एक सेकेंड ना, गिव मी अ सेकेंड. हाँ गाइस, कहाँ थे अपने? क्रीज इश्तरी की पतलून और गंदी सिकुड़ी कमीज, या अंग्रेजी ढंग से कटे बालों से लटकती लट्टू माने छोटा छोटा बाल और उससे लट्टू माने जो पीछे जो ब्राह्मण लोग का बेसिकली होता है, तो वैसे रखना. कहाँ गया? एक सेकेंड. लट्टू जैसे गांठ वाली चोटी अगर देशी पना है तो हम इसे दूर से प्रणाम करते, तो भाई नमस्कार दूर से. मुझे समझाओ अगर इसी देश में आदमी जरा ढंग से रहने लगे तो विदेशी कैसे है? यह सब नहीं रखना तो सिर पर फिर वाइये मशीन और खादी का मोटा धोती कुर्ता पहनिए, ताकि हवा चलने पर टांगों से अलग धोती स्वतंत्रता दिवस के झंडे की तरह फहराए और आप उसे संभालते हुए. हाँ तो कहाँ थे? हाँ तो बोलते अगर तुमको ऐसे नहीं रखना है तो भाई ये सब कटवाओ अपना बाल बाल और एक नॉर्मल वे में अपना लाइफ को अपना लाइफ का पालन पोषण करो. इन दी सेंस अंग्रेजी वे में नहीं होता है. अगर तुमको देसी विदेशी करना है तो भाई अपने आपको कार्टून बना के मत रखो कि एक दो ही कमीज है, गंदी कमीज पहन लो, गंदे कपड़े पहन लो, बाल बाल एकदम बेढंग से कटवा के रखो, इसको उस चीज से प्रॉब्लम है, किसको दिवा करो. और बोलते हैं कि अगर तुमको इतना ही प्रॉब्लम है तो कुछ मत करवाओ, धोती खादी का धोती पोती पहनो, और जब हवा आएगी तो जब उड़ेगा तुम्हारा धोती संभलेगा नहीं, तो झंडे का स्वतंत्रता की तरह नहीं होता है, तुम्हारा धोती उड़ जाएगा, तुम उसके पीछे पीछे भागते रहना उसको पकड़ने के लिए. इस पैर में बस यही मजाक करते हुए बोले और कुछ नहीं. मेरा चेहरा लाल हो आया मुझे लेकर वह कई बार ऐसा कह चुका था, इसको गुस्सा आ गया क्योंकि इसको लेकर कई बार होता ना, एक बार मजाक करो दो बार करो, कितनी बार वो ये मजाक किया था और हर बार मैंने इसे व्यक्तिगत पसंद माने होता ना, व्यक्ति टू व्यक्ति अपना अपना पसंद होता है किसी चीज से रिलेटेड, तो हर वक्त ही क्या सोचा, व्यक्तिगत पसंद सोचा इसको, ठीक है एक मिनट. हाँ और हर वक्त मैंने इसे व्यक्तिगत पसंद और विश्वास कहकर टाल दिया कि चलो अपना अपना पसंद होता है. कभी कभी कई दिन अनबोला भी रहा, माने से बात भी नहीं किया. अब इस मूर्ख को कैसे समझाओ कि मेरे पास इन कपड़ों के सिवा दूसरा नहीं है, माने वो जिसका मजाक उड़ा रहे उसके सिवा मेरे पास कपड़े ही नहीं है, ये कैसे बताए उसको. मुझे प्रभा की फटी और ठिगलिया लगी धोती, ठिगलिया माने जो रफू या बीच से कपड़े करके जोड़े नहीं जाते, सोचो कोई फटा बस वो है तो फटे हुए जगह पे कोई और कपड़ा चेप दिया गया है, उसको बोलते अपने ठिगलिया. ठिगलिया लगी धोती का ख्याल आया, माने उस साड़ी का ख्याल आया कि वो कैसी फटी साड़ी पहनती. लेकिन जैसे ही प्रभा का चेहरा सामने आया मैं दिवाकर की सारी बकवास भूल गया. क्यों? अगर लव्ड वन का चेहरा सामने आता तो गुस्सा हट जाता, ठीक है तुम लोग को इतना तो आइडिया हो गया. और बोला अच्छा अच्छा बाबा अब बस भी करो, कॉलेज की डिबेट थोड़ी है, सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो, चेंज कर दे टॉपिक. अरे छोड़ ना यार, डिबेट थोड़ी है, ये सब करके ऐसे चेंज किया. लेकिन आज अचानक अपनी प्रसन्नता के मूड का कुछ अता पता तो दो. दिवाकर वापस छेड़ा, क्या हुआ इतना खुश कैसे? बात मेरे होठों तक आ गई. दबाकर बोला यो ही, कोई खास बात नहीं है. अच्छा तू भी अब नहा धो ले, मुझे भी चलने दे, मुझे कोई बहुत जरूरी पत्र डालने ला, दो चार पोस्ट कार्ड डाल दे. सहसा मेरा सारा शरीर सीहर उठा, मुझे प्रभा का पोस्ट कार्ड मांगने का ढंग याद आ गया. वो जैसे फ्रेंड से मांगा ना दो चार पोस्ट कार्ड याद दे दे, तो जैसे वो ये लाइन बोला पोस्ट कार्ड वर्ड आया तो इसका ये वाइब्रेशन अलग सा फील करने लग गया. क्यों ऐसे फील करने लग गया? क्योंकि इसको पूरा प्रभा का याद आ गया कि प्रभा किस शर्मीले वे ने उससे पोस्ट कार्ड मांगे. कहाँ कहाँ डालना है तो बता तो सही, बोलते कहाँ पोस्ट कार्ड डालेगा बता, हमारा भी रोल नंबर याद रखना. इसको लगा पहले के जमाने में होता है ना, वो लोग टीचर का पता लगा लेते थे और घर जाके क्या करते थे, अपना वहीं पे छोड़ आते थे पेपर वेपर और रुपया रुपया घूस वूस देकर नंबर्स भरवा लेते थे. तो इसीलिए वो बोला कि भाई मेरा भी रोल नंबर ले ले, तुझे अगर टीचर्स के बारे में पता चल गया, एड्रेस पता चल गया है तो. किसके पास पहुंच गई है कॉपियां? वह हंसा, माने तुमको पता चल गया होगा किसके पास पहुंची है कॉपियां. फिर गंभीर हो गया, यार इधर उधर कुछ पहुंच निकालो ना, सुना है दुनिया भर के लड़के दिग्विजय करने निकल पड़े. दिग्विजय माने हर एक दिशा में निकल पड़े हैं, हर एक दिशा में कहां निकल पड़े हैं, क्या बोलते हैं, खोजने के लिए कि किस टीचर के पास कौन सा कॉपी है. जसप्रीत पेज नंबर 86, ठीक है 86 के एंडिंग में ही है. फिर देखो
कहाँ गया? हाँ, जिसने जिनसे कभी जन्म जिंदगी में नहीं मिले उनके पास जा धमकते और रॉब से काम निकलवा लेते, माने टीचर्स के पास। लगता है अगर इस बार कोई उठा धराई नहीं की, माने अगर ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया, घूस वूस नहीं दिया, तो जिंदा नहीं बचे। उसके माथे पर चिंता की सलवटें उभर आई, माने उसके माथे पर क्या हुआ, स्ट्रेस आ गया। किसके माथे पर? इसके माथे पे। नहीं होता कि इस बार कुछ नहीं करे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। उसका चेहरा देखकर परीक्षा में पास होने ना होने की विभीषिका फिर छाती पर झूलने लगी, माने दिवाकर का ऐसा स्ट्रेसफुल चेहरा देखकर समर भी एकदम स्ट्रेस हो गया। बोलते हैं ना, फ्रेंड को दुखी देखकर हम लोग को पे भी थोड़ा आ जाता है असर, तो सेम हुआ। उसका चेहरा देखकर परीक्षा में पास होने ना होने की विभीषिका, विभीषिका माने डर बाबू, डर फिर छाती पर झूलने लगी, माने डर होने लगा। मैं फिर अपने में खोकर फेल हो जाने की बाकी प्रतिक्रियाओं का सोचता रहा। अपने लोग क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, अपोजिट सोचते हैं, राइट? अगर ऐसा हो गया तो वो हो गया, ये हो गया, तो ये भी नेगेटिव रिजल्ट के बारे में सोचने लग गए। पूछा, क्या सोचा है आगे के लिए तुमने? पूछ रहे, क्या सोचा है तुमने आगे के लिए? थर्ड ईयर ज्वाइन करोगे या किसी और लाइन में जाओगे, माने कॉलेज वाले ज्वाइन करोगे क्या, थर्ड ईयर यहाँ पे कॉलेज है, या फिर कुछ और लाइन पे जाओगे? अरे यार, पास तो हो जाओ पहले, फिर कुछ सोचेंगे, सोचे भी, अगर कहीं फेल हो गए तो एक साल की पिसाई और हो जाएगी। तो ये सोचा, भाई मैं तो कुछ नहीं सोचा, पहले पास तो होने दे। रोज मंदिर में दर्शन करके जीना जाना और दुनिया भर की सगुन बनाकर बेकार चला जाएगा। तुम तो फर्स्ट डिविजन ला रहे हो, तुम्हें चिंता क्या है, मुसीबत तो हमारी है। माने होता है ना कि दिवाकर बोलता है, भाई तू तो फर्स्ट डिवीजन लाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने फ्रेंड को नहीं समझते, भाई तू तो टॉप मोस्ट है, एकदम वाला चीज दिखा देते हैं कि मुझे तो मेरा टेंशन है कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, और इतना मंदिर वंदिर का चक्कर, और अपने बोलते हैं ना प्रसाद चढ़ा देंगे, मंदिर के दर्शन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी सारा बकवास चला जाएगा, वो ऐसा सोच रहे। अब जब पता चला किसको, समर को, कि दिवाकर उसके बारे में इतना अच्छा सोचता है, तो देखो क्या फील करता है वो। दिवाकर के मेरे बारे में यह ख्याल है जानकर अच्छा लगा। वाओ, कि वो मेरे को फर्स्ट डिवीजन वाला सोचता है। फर्स्ट डिवीजन पहले के जमाने में इनफैक्ट अभी भी 60% अबव होता है। लेकिन भीतर के उल्लास को दबाकर कहा, माने भीतर के खुशी को दबाकर बोला, भाड़ में जाए फर्स्ट डिवीजन, बस पास ही हो जाए तो जाकर हनुमान जी को 1.25 रुपया का प्रसाद चढ़ा देंगे, 1 रुपी 25 पैसे का प्रसाद। मुझे अपने फर्स्ट डिवीजन में आने का पूरा विश्वास था, इसको पूरा यकीन था फर्स्ट डिवीजन से पास होगा। बात मन में आकर रह गई कि अगर घर की तरफ से जरा भी साथ होता तो मैं दिखा देता फर्स्ट डिवीजन, तो वो एक सेकेंड, हाँ, तो ये बोलता कि अगर नहीं होता घर का और साथ रहता तो ये और भी शो कर देता। अच्छा, ये ज्यादा बनना बनाना छोड़ो, आगे तुम्हारा क्या करने का इरादा है? हमारे अब्बाजान तो पीछे पड़े हैं, ये दिवाकर बोल रहे कि भाई आगे का बात बताओ, तुम क्या करोगे? हमारे अब्बाजान माने इसके पिता तो पीछे पड़े हैं कि आगे पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा, अभी उम्र है, थानेदारी में चले जाओ। इसके पापा भी उसी से रिलेटेड थे, इसीलिए क्या बोले कि अभी भी समय है, किसमें चले जाओ, थानेदारी, ये सब पोस्ट में चले जाओ। रॉब का रॉब रहेगा, होता है ना पुलिस लोग का एक रॉब रहता है वैसे, घमंड, और ऊपर की आमदनी अलग, माने रिश्वत अलग। मगर मेरा मन नहीं करता समर, थानेदारी में कहां मारे मारे फिरेंगे, कहीं किसी गांव नगर में फेंक दिया तो आदमी की सूरत देखने को नहीं मिलेगी। माने अगर मेरा ट्रांसफर कहीं पे दूर कोई गांव में ऐसा जगह हो गया तो भाई किसी की सूरत भी देखने को नहीं मिलेगी। किरण तो रो रो कर मर जाएगी, गहरी सांस लेकर दिवाकर बोला, फिर यह ऊपर की आमदनी, बाबूजी अभी अपने जमाने की बातें सोचते हैं, माने अभी तो ये सब इतना चलता नहीं है, ऊपर की आमदनी ये सब तो बाबूजी लोग के जमाने की बातें थी। दिवाकर की बात मुझे छू गई, फिर भी बोला, तुम्हारी क्या आफत, मुसीबत तो हमारी है, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, पढ़ाई तो हमारी बिल्कुल रुक गई समझो, अब कहीं 100-150 रुपए की नौकरी मिल जाए तो काम चले। माने समर का घर का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, तो वो बोला तुमको क्या टेंशन है, तुम्हारा तो सब सॉर्टेड है, प्रॉब्लम तो भाई मेरा है यहाँ पे, मेरे को तो अभी नौकरी करना पड़ेगा, घर का स्थिति ठीक नहीं है, ऊपर का कोई कितने का नौकरी ढूंढ रहा था, 100-150 का अगर नौकरी मिल जाए तो चलो ठीक है। ये कौन बोला, समर, बेवकूफ हुए हो, सुनो इन सबको तो जाने दो कुएं में, कहना मानो हम दोनों थर्ड ईयर ज्वाइन करेंगे। दिवाकर संतापना, माने उसको ऐसे अश्योरेंस दे कि अरे नहीं, नौकरी वोकरी नहीं, अभी पढ़ाई कर। नहीं दिवाकर, अपनी सीमाएं देखकर ही सोचना चाहिए, माने जहां तक लिमिटेशन है वहीं तक सोचो भाई, जहां तक क्या बोलते, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, है ना, फैलाओ और व्हाटएवर। हमारे घर की हालत ऐसी नहीं है, इस बार कुछ ना कुछ तो करना ही है, हमारे घर की हालत ऐसी नहीं है, माने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस बार कुछ करना होगा, आगे की बात तो अब किसी भी तरह चलती दिखाई नहीं देती, मैं तो अभी से तलाश में हूँ कि कुछ मिले तो करने लगू, माने मैं सर्च कर रहा हूँ कोई जॉब की, कि कोई भी काम मिले तो भाई मैं करूँ, क्योंकि अभी स्थिति ठीक नहीं है घर का,
तुम कुछ कर सकते हो तो बताओ। मुझे भाई साहब की बात याद आ गई, भाई साहब इसको बोला था कि जब तुम जाओगे दिवाकर के तो उससे बात करना कोई काम वाम का, तो उसको बात याद आ गई। मैं भी तो यही कह रहा हूँ जनाब, इन बातों में कुछ नहीं रखा, अगर अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिलेगी। ऑब्वियसली जितना अच्छा पढ़ लिख लोगे तुम लोग को नौकरी भी उतना अच्छा मिलेगा, नहीं तो बस किसी लाला के 40 रुपए कि मुनीम हो जाना, नहीं तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, बस ऐसे ही कोई अकाउंटेंट बन जाना होगा 40 रुपए में। इंटर पास वालों को कोई नहीं पूछता, माने इंटर पास वालों की कोई औकात नहीं होती। इस तर के सामने मैं बिल्कुल निरुत्तर हो गया, माने जब वो ऐसा बोला तो इसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि एक तरीका से दिवाकर ठीक बोल रहा है, सच ही तो है, कौन देगा मुझे नौकरी। यथार्थ के इस रूप को देखकर मैं घबरा गया, कभी कभी रियालिटी से हम डर जाते, तो यथार्थ माने सच्चाई के इस रूप को देखकर मुझे डर लग गया, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। टालता हुआ बोला, अरे छोड़ो भी यार, पहले रिजल्ट तो आ जाने दो, हम लोग डर फेस कर ही नहीं सकते, उसको हटा डालते। तो वो टालते हुए बोला कि छोड़ यार, और मैं उठ खड़ा हुआ, रोज रोज अपनी नौकरी के लिए इस बेचारे से भी कहूं कहां तक कहूं, अगर होती तो क्या यह कसर छोड़ता। बैठक के बाहर आता हुआ बोला, अच्छा अब तुम नहाओ धो। तभी फिर याद आ गया, अरे हाँ वो पोस्ट कार्ड, मैंने सोचा कि फ्रेंड है यार, फ्रेंड को कितनी बार बोल चुका हूं, अगर ये सच में हेल्प कर पाता तो करता ना। नेक्स्ट, हम तो होली दिवाली नहाते हैं भाई, कहता बाबा भीतर पोस्ट कार्ड लेने चला गया, ऐसे बोला। लड़का लोग जैसे होता है ना कि भाई एकदम एक दो दिन ही नहाते हैं, वैसे चिंताएं इस पर भी कम नहीं है, लेकिन रहता कैसे मस्त है, बोलते देखो दिवाकर भी चिंता इसमें भी कम नहीं है, चिंता बहुत है दिवाकर के पास, बड़े कितना मस्त रहते हैं। सिर्फ एक पोस्ट कार्ड मांगने में शर्म लगती है, इसलिए मैंने 4-5 मांगी, ताकि इसको डाउट नहीं हो जाए कि एक क्यों मांग रहे। पोस्ट कार्ड लेकर कहा इन्हें लौटा दूंगा, पोस्ट कार्ड लिया और बोला इन्हें रिटर्न कर दूंगा। अरे हाँ वह रसीद कागज तो मैं लाया ही नहीं जिसमें इन्हें लौटाने की लिखा पड़ी होगी। वो था ना, फ्रेंड से 10 रुपया ले रहे हो तुम, बोलेगा लौटा देगा तो फ्रेंड लोग सरकाजे में मस्ती लेगा, वैसे ही वो बोला। अच्छा गाइज, अगर मीटिंग ओवर हो जाए तो वापस सेम है लिंक, उसी में आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट, और वह हंस पड़ा, अच्छा आप तो बता दे आज इतना खुश क्यों है, मैंने पीछा नहीं छोड़ेगा, रीजन पूछे खुश क्यों है। इस बार सचमुच में खुलकर मुस्कुरा पड़ा, रोक नहीं पाया, बाहर निकलते हुए कहा प्रभा आ गई और चला गया, खुशी का राज, मेरी बीवी इज बैक। अच्छा बेटा, पीछे से दिवाकर की ऐसी आवाज आई, तो एक बार इतना देख लो फिर अपने नेक्स्ट